11 या 12 अक्टूबर नवरात्रि 2024 अष्टमी नवमी कन्या पूजन के लिए केवल एक घंटे का है शुभ मुहूर्त। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में अश्विन नवरात्रों की महाअष्टमी और महानवमी व्रत कब है, कन्या पूजन कब किया जाएगा, अष्टमी नवमी कन्या पूजन की शुभ मुहूर्त विधि और कन्या पूजन को कितने घंटे का शुभ समय मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियां बेहद ही खास मानी जाती हैं। इन तिथियों में लोग पूजा के साथ कन्या पूजन और हवन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत व पूजन का पूर्ण फल कन्या पूजन के बिना प्राप्त नहीं होता। देवी पुराण के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं और एक बटुक की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस साल अष्टमी और नवमी व्रत कब है, कन्या पूजन कब किया जाएगा, अष्टमी नवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त विधि और कन्या पूजन को कितने घंटे का शुभ समय मिलेगा। अष्टमी नवमी कब है 2024? पंचांग के अनुसार साल 2024 में अष्टमी नवमी का व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। इस साल अष्टमी नवमी दोनों तिथियां एक ही दिन है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 10 अक्टूबर दोपहर 12:31, अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर दोपहर 12:06, नवमी तिथि शुरू होगी 11 अक्टूबर दोपहर 12:06, नवमी तिथि का समापन होगा 12 अक्टूबर प्रातःकाल 10:58। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त 2024। 11 अक्टूबर को कन्या पूजन मुहूर्त है। चर सामान्य मुहूर्त प्रातःकाल 6:20 से प्रातःकाल 7:47। लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातःकाल 7:47 से प्रातःकाल 9:14। अमृत मुहूर्त प्रातःकाल 9:14 से प्रातःकाल 10:41। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:43 से दोपहर 12:30। विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से दोपहर 2:49। गोधूलि मुहूर्त शाम 5:55 से शाम 6:19। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भोजन तैयार करें। सर्वप्रथम माँ दुर्गा की आराधना करें और माँ को भोग लगाएं। इसके बाद 9 कन्याओं और एक बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाएं। अब उनका तिलक कर आरती करें और फिर उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा चना पूरी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।